बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगी हैर हरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये है पालक और आलू। पालक आलू सबको बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने इसके लिए पालक मैंने लिया 2 किलो पालक है मेरे पास, मैंने सिंपली काट के धो के उबॉयल कर लिया है। मेरे पास 1 किलो आलू हैं और हरी मिर्चें हैं, प्याज हैं और लहसुन है। तो चले मेरी प्यारी बहनें बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मेरी प्यारी बहनें, मैंने एक कढ़ाई में या देस की आप जो भी ले लें, 1 अदद मैंने प्याज लिया और 1 कप मैंने घी डाला, रफली चॉप की हुई है मैंने प्याज, और इसको मैंने इसमें फ्राई करना है। देखिए मेरी प्यारी बहनें, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसमें मैंने अब लहसुन लेना है, मेरे पास 3 टेबल स्पून लहसुन है चॉप किया हुआ, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको भी मैंने फ्राई करना है अच्छे से। साथ ही मेरे पास हरी मिर्ची है 7 से 8 अदद है, 3-4 साबुत हैं, बाकी मैंने कटी हुई नहीं है, ये भी ऐड कर देनी है मैंने। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से भूनना है। अब मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालना है, साथ ही हलाते जा रहे हैं आपने मसाले को। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड करनी है, साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ऐड करनी है। इसको मसाले को मैंने अच्छे से भूनना है। मैंने साथ ही मेरे पास जो उबली हुई पालक है ना वो मैंने ऐड कर दिया, ये देखिए ये मैंने उबली हुई पालक है मेरे पास, ये ऐड करके तो मैंने अब भूनना है इसको। पालक को अच्छे से भूनना है मेरी प्यारी बहन। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने पालक डाल के अच्छे से हलाई है, अब मैं इसे भून लूँगी। मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट भूनना, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने 15 मिनट पालक को भूना है, मेरी पालक बहुत अच्छे से भून गई है। अब मैंने इसमें आलू ऐड कर देने हैं, आलूओं के साथ मैंने इसे की फिर भुनाई करनी है। मैंने इसे 20 मिनट के लिए फिर दोबारा भूनना है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने 15 मिनट के लिए पालक को भूना है और साथ मैंने फिर बाद में 5 मिनट के लिए दम लगाया है। और ये देखे मेरे आलू भूनते भूनते मेरे आलू माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल गए हैं, और मेरी पालक ने घी भी छोड़ दिया। ये देखे बहुत अच्छे आलू पालक बने हैं। आप भी ये रेसिपियाँ ट्राई किया करें मेरी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।